मैंने हर गम को खुशी में डाला है, मेरा हर एक रंग निराला है, मेरा हर एक रंग निराला है। मैंने हर गम को खुशी में ढाला है, मेरा हर एक रंग निराला है। लोग जिन हादसों में मरते हैं, लोग जिन हादसों में मरते हैं, मुझे उन्हीं हादसों ने पाला है। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको आज मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इसी मदर्स डे पर प्रस्तुत है मेरी ताज़ा तरीन स्वरचित रचना, उसका शीर्षक है ओ माँ, ये मैंने कल ही लिखी है, तो मैं इस पढ़ के सुनाऊंगा आपको। जिंदगी तू माँ की तरह, जिंदगी तू माँ की तरह हाथ थाम कर चलती रही चलती रही। जिंदगी तू माँ की तरह हाथ थाम कर चलती रही चलती रही। याद करने की कोशिश करता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ कब से, याद करने की कोशिश करता हूँ कब से, मगर यादों की धुंधली दीवार पर एक अक्स उभर आता है। इस पर ध्यान दें, आप अपनी माँ को ध्यान रख के इस चीज़ पे अक्स पे ध्यान दें, वो अक्स माँ का है। मगर यादों की धुंधली दीवार पर एक अक्स उभर आता है, दूर से वो भगवान नज़र आता है, दूर से वो भगवान नज़र आता है, पास जाता हूँ तो माँ ही नज़र आता है। दूर से वो भगवान नज़र आता है, पास जाता हूँ तो वो माँ ही नज़र आता है। हाँ, ये सच तो है, माँ की सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, भगवान की सूरत क्या होगी, माँ की सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ की प्यार की चाशनी में डूबे कड़वे पल भी, माँ के प्यार की चाशनी में डूबे वो कड़वे पल भी यादों को हर बार नई मिठास दे जाते हैं। बचपन में उंगली पकड़ते थे वो हाथ, बचपन में उंगली पकड़ते थे वो हाथ, देते रहे हमेशा हमारा साथ, उठते रहे हर वक्त दुआओं में। ध्यान दीजिए, आशीर्वाद चाहूँगा कि उठते रहे हर वक्त दुआओं में। हमको पता भी ना चला उन दुआओं का असर जब दिखा, हमको पता भी ना चला जब दुआओं का असर वो दिखा, तो डूबती सांसें, भीगी आँखें, कांपते हाथों में लड़खड़ाती जुबान, जो भी कह रही थी बस मतलब एक था कि मेरे लफ्ते जिगर तू खुश रहे, तू खुश रहे, मेरे लफ्ते जिगर तू खुश रहे, तू खुश रहे। और आज तक बार बार हम सलाम पर सलाम कह रहे हैं, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, शुक्रिया। एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा, आज मेरी ज़िंदगी के सफ़र के 62 साल पूरे हो रहे हैं। और इस सफ़र में पक्का पक्का शाम को, और इस सफ़र में जिसने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, उस माँ को आज के खास दिन नमन करता हूँ, और आप सबका शुक्रिया।